अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से कि सब दोस्त भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे पास आज गाड़ी आई है सुजुकी वैगनआर 2014 मॉडल जैपनीज। इसकी पहले वाली चाबी ख़राब हो चुकी है, ये रिमोट जो है ना, इसका बटन जो है ना, यहाँ से पैड फट चुका है। ठीक है, हमने इसकी आज एक नई चाबी बनानी है डुप्लीकेट, वो बताते हैं आपको। और ये नया अभी तक हमने बनाया नहीं है, ये देख रहे हैं, ये हमने चाबी इसकी लगाई। और ये देखें मोबिलाइजर लाइट ऑन है, इससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इस चाबी से गाड़ी स्टार्ट है जो उनकी अपनी है। वो देखें लाइट चली गई, ये गाड़ी स्टार्ट है। अब हमने ये नया रिमोट ये वाला बनाना है इसके ऊपर। वो देखें लाइट ब्लिंक कर रही है, ये देखें इसकी अब एक चाबी प्रोग्राम हो गई है। ठीक है, पर लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है। जब दूसरी चाबी प्रोग्राम करेंगे तो इंशाल्लाह, ये पूछ रहे हैं कि आपने नई चाबी बनानी है तो इसको यस कर दो। ठीक है, ये देखें टोटल, ये देखें टोटल टू कीज़ होगी। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, जब हमने चाबी बनानी है उसके बाद स्कैनर हमने बैक कर देना है तो इसकी चाबियों का रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं रहता। ठीक है, यहाँ तक इसकी प्रोग्रामिंग होती है, इससे आगे इसके अंदर कुछ भी नहीं रहना। और ये देखें मुस्कोल्टी की लाइट चली गई, और ये टोटल टू कीज़ हैं इसके अंदर, टोटल प्रोग्रामिंग इसके अंदर जो है ना, दो चाबियाँ हैं इसके अंदर, ये देखें। अब मैं चेक करवाता हूँ, ये देखें ये गाड़ी स्टार्ट नई चाबी से, और ये पुरानी चाबी। ओके जी, जजाक अल्लाह, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नया रिमोट है और ये उनका पुराना, ये मिसिंग करता है कभी कभी।